तुम्हारा भाई एजाज लेकर आया हूँ एक न्यू ब्लॉग। तो आज मैं दिखाऊंगा तुम्हें जो बाग हमारे गांव का 350 का बाग है, जो इधर साइड में बाग है, दिखाऊंगा इसके अंदर जाके कितना बड़ा बाग है। तो ये जो हमारे जो गांव के सेठ थे, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, जो उन्होंने लगाया था अपने हाथ से ही, तो ये बाग है देखो इधर, ये इसके चारों तरफ तार खींचे हुए हैं इस तरह, जिस वजह से जो बच्चे बच्चे अंदर ना जाएं। वैसे जाते हैं बहुत, क्योंकि कोई दिक्कत भी नहीं है, मना भी नहीं करते, मगर ये लकड़ी वकड़ी तोड़ने के लिए मना करते हैं। ये पूरा बाग पीछे तक कम से कम एक गांव बस जाएगा इसके अंदर, इतना बड़ा बाग है। तो इधर देखो ऊपर पेड़, ये जो है ना साइड में, ये दशहरा जो आम होता है ना, वो दशहरा आम है, और पीछे जो है फिर उसके चौसा आम है, फिर उसके पीछे लंगड़ा है, फिर और भी, मतलब जैसे जैसे लाइन तो लाइन टू लाइन है इसके पीछे। दिखाऊंगा देखो कितना, मैं बाइक से जाऊंगा इसके चारों तरफ घुमाऊंगा बाइक, दिखाऊंगा तुम्हें बंदर है इसके अंदर। देखो ये सामने बंदर मज़े ले रहा है बाग में अंदर। देखो दोस्तों इसके पीछे भागूंगा, साला भाग जाएगा, बाग में ही अंदर। दोस्तों इसके अंदर साला डराता हूँ, देखो दोस्तों मैं अभी डराता हूँ, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। उधर वो शायद कोई लकड़ी वकड़ी चुभ रहा है, उसकी तरफ को जा रहा है, अटैक भी कर सकता है, उसको कार्ड भी लेते हैं ना साले। इसके अंदर जाऊँ मैं, आगे से जाऊँगा, इसके ही पास जाता हूँ डंडी लेकर, कोई स्टिक वगैरह लेकर इसके अंदर ही जाता हूँ। तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, देखो दोस्तों कैसे बैठा है, देखो आराम से, मज़े ले रहा फुल।